YouTube चैनल ग्रह गोचर में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम सनातन धर्म और संस्कृति से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप तक पहुँचाते हैं, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सनातन धर्म की गौरवपूर्ण गाथा से स्वयं और समाज को नई दिशा और दशा दें। आज हम बात करेंगे वासंती नवरात्र यानी चैत्र नवरात्र की। नवरात्र मातृ शक्ति की आराधना का सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान होता है, जिसमें माँ जगदम्बे के नौ स्वरूपों की नौ दिनों तक विधि विधान से पूजा की जाती है। नौ दिनों की अवधि को नवरात्र कहा जाता है और नवरात्र में भक्त जगत जननी माँ की भक्ति में लीन रहते हैं। सनातन धर्म की मान्यताओं के अनुसार वर्ष भर में चार नवरात्र होते हैं, जिनमें दो उदय नवरात्र जबकि दो गुप्त नवरात्र होते हैं। साल का पहला नवरात्र हिंदू संवत्सर के पहले महीने यानी चैत्र में होता है। इस साल 25 मार्च दिन बुधवार को विक्रम संवत्सर 2077 की शुरुआत हो रही है, इसलिए इस दिन 25 मार्च से ही मातृशक्ति की आराधना के महान पर्व वासंती नवरात्र का भी प्रारंभ होगा। नवरात्र के दौरान शक्ति के नौ स्वरूपों की उपासना की जाती है। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकम्, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमम्, नवमम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकृतितः। यानी शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री, माँ के इन नौ स्वरूपों की पूजा आराधना होती है। तो चलिए जान लेते हैं कि इस बार चैत्र नवरात्र का अनुष्ठान कैसे करें। नवरात्र के पहले दिन विधि विधान से कलश स्थापना करनी चाहिए। कलश स्थापना से पहले गणेश और गौरी की षोडशोपचार पूजा करें, फिर कलश स्थापना कर वरुण आदि देवताओं सहित सभी तीर्थों और पवित्र नदियों का आवाहन करें। कलश के पूजन के बाद षोडश मातृका और नवग्रह पूजन करें, फिर माँ जगदम्बा की पूजा आराधना कर नवरात्र का अनुष्ठान प्रारंभ करें। कलश स्थापना के लिए अभिजीत मुहूर्त सबसे उत्तम माना गया है, जो काशी पंचांग के अनुसार 25 मार्च को दिन में 11:36 से 12:25 तक रहेगा। 25 मार्च बुधवार को विधिवत कलश स्थापना कर 9 दिनों तक मां की पूजा आराधना करें और नवरात्र के अंतिम दिन 2 अप्रैल को हवन के बाद कन्याओं और ब्राह्मणों को भोजन कराकर अनुष्ठान का समापन करें। नवरात्र में दुर्गा सप्तशती के पाठ का विशेष महत्व बतलाया गया है, तो आप भी इस वासंती नवरात्र में मां की आस्था और श्रद्धा के साथ आराधना करें और मां की कृपा प्राप्त करें। जय माता दी।